गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज फिर एक कन्वर्सेशन सिखाएंगे, वार्तालाप। फिर कल हम लेट के प्रयोग बताएंगे, आराम से कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ बोलने के स्टाइल्स, कन्वर्सेशन सब चीज ले चलेंगे, बीच में प्रोनंसिएशन, ग्रामर के टिप्स, ये सारे चीज आएंगे आपको। आइए, बहुत लोग हैं, इस पर लाइव तो है नहीं, इसलिए नाम हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सीधे और सीधे आप क्लास को देखें, समय बचेगा, डाटा बचेगा। तो घर में आटा भी बचाना है, मोबाइल में डाटा भी बचाना है, ताकि घाटा नहीं लगे। फ्री कोर्स में आप लीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 8, अबाउट रिलेटिव। अब ये कन्वर्सेशन संबंधी के बारे में है, जैसे माता पिता को पेरेंट्स कहते हैं, दादा को ग्रैंड पा या ग्रैंड फादर कहते हैं, दादी को ग्रैंड माँ या ग्रैंड मदर कहते हैं, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ कौन है, इसके बारे में संबंधित क्वेश्चन से बड़े सिंपल है, बचपन की क्लास है, आराम समझ सकते हो। दो लड़का या दो लड़की के बीच ही कन्वर्सेशन है, समझो वार्तालाप। रेखा और सीमा दो है, रेखा सीमा को देखकर कहती हाय सीमा, तो फिर सीमा बोलेगी हाय रेखा, ठीक ना। रेखा कहेगी टुडे आई वांट टू नो समथिंग फ्रॉम यू, आज मैं कुछ तुमसे जानना चाहता हूं या जानना चाहती हूँ। सीमा बोलेगी ऑफ कोर्स, बेशक, यू शुड आस्क, तुम्हें पूछना चाहिए, ये तुम पूछ सकती हो। रेखा बोलते प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन माय पेरेंट्स, कृपया मेरे को ये बताओ कि पेरेंट्स का क्या मतलब होता है। तो सीमा बोलती वेरी सिंपल, बहुत साधारण, मदर एंड फादर आर कॉल्ड पेरेंट्स, माता और पिता को पेरेंट्स, माँ बाप कहा जाता है। पेरेंट्स में कौन कौन आते हैं, माँ बाप दोनों। रेखा बोलती है व्हाट्स योर पेरेंट्स फादर कॉल्ड, तुम्हारे पेरेंट्स के फादर को क्या कहा जाता है, यानी माता पिताजी के बाबूजी को क्या कहा जाता है, चाहे माता के बाबूजी हो, पिता के बाबूजी हो, ग्रैंडफा या ग्रैंडफादर कहते हैं। अब चूंकि माता के पक्ष होंगे तो और क्लियर करेंगे, मैटरनल ग्रैंडपा या मैटरनल ग्रैंडफादर, अब पापा के पक्ष हो मैटरनल ग्रैंड पैटरनल ग्रैंडफादर, ये मैटरनल पैटरनल अलग अलग कर दिए, कॉमन बोलेंगे ग्रैंडफादर या ग्रैंडपा। तो सिंपली बोले ग्रैंडफादर या ग्रैंडपा, कॉमन हो गया, आ गया ये। रेखा बोलती हो ओके ठीक है, व्हाट्स योर पेरेंट्स मदर कॉल, अच्छा तुम्हारी माता पिता के माय को, माय के माय को और बाप के माय को कॉमन बोलेंगे ग्रैंड मा या ग्रैंड मदर, और वैसे माता के पक्ष के माता के माता को कहते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर या मैटरनल ग्रैंड माँ, और पिताजी के माता जी को बोलेंगे पैटरनल ग्रैंड मदर या पैटरनल ग्रैंड माँ, लेकिन कॉमन में क्या बोलेंगे, ग्रैंड माँ या ग्रैंड मदर, देखते हो। तो व्हाट इज योर पेरेंट्स मदर कॉल, माँ बाप के माता को क्या कहते हैं, माँ के माई के माई को क्या है, बाप के माई को क्या कहते हैं, तो ग्रैंड मदर या ग्रैंड माँ कॉमन में। ओके, व्हाट्स योर फादर्स मदर कॉल, अच्छा बाबूजी के भाई को क्या कहते हैं, और सिंपल अंकल कहते हैं, अंकल चाचू, है ना। व्हाट्स योर फादर सिस्टर कॉल, अच्छा पिताजी के बहन को क्या कहते हैं, फुआ, फुआ मौसी चाची, इन सब के लिए आंटी इंग्लिश होता है, इंग्लिश है ना, आप इंग्लिश में आंटी आंटी बोलेंगे। व्हाट्स योर पेरेंट्स ब्रदर कॉल, आप पेरेंट्स के ब्रदर को क्या कहते हैं, तो पेरेंट्स ब्रदर कॉल, है ना, हम पेरेंट्स ब्रदर को या फादर के ब्रदर को दोनों को ही अंकल कहेंगे, अंकल माने चाचा मामा फुफा मौसा, पेरेंट्स फादर भी पूछ दे या पेरेंट्स के ब्रदर को भी अंकल ही कहेंगे, अंकल का मतलब चाचा मामा फुफा मौसा साहब। ओके, व्हाट्स योर ब्रदर सन कॉल, भाई के बेटा को क्या कहते हैं, ब्रदर सन, भाई के बेटा को नेफ्यू, भाई के बेटी को नीस यानी भतीजा और भतीजी, तो हम ब्रदर को क्या कहते, ब्रदर के बेटा को कहते हैं नेफ्यू। व्हाट इज योर ब्रदर्स डॉटर कॉल्ड, अब भाई के डॉटर क्या कहते हैं, नीस, नीस होने भतीजी, भतीजा के लिए नेफ्यू, भतीजी के लिए नीस, सन हो गया भाई का नेफ्यू, डॉटर हो गई नीस भतीजी। हु इज कजन, ऐसा कजिन नहीं पढ़ लो, कजन, कचन कजन का मतलब चचेरा ममेरा फूर फफेरा भाई या बहन, यानी अंकल और आंट के बेटा बेटी को
हम लोग कजन कहते हैं, द चाइल्ड ऑफ अंकल एंड आंट इज कॉल्ड कजन। इज क्यों लगा? आपके पहले चाइल्ड सिंगुलर है, इस सिंटैक्स हम लोग पढ़ाते हैं आपके पहले वाले के अनुसार, ठीक है ना। रेखा बोलती है हु इज कॉल्ड फादर इन लॉ। अच्छा बोल, फादर इन लॉ ससुर किसे कहते हैं? ससुर दो तरह के होते हैं, लड़का के लिए उसकी पत्नी के बाबूजी ससुर, और लड़की के लिए पति के बाबू ससुर, फिर पति के माए उसके लिए सासू, और पत्नी की माए उसके लिए सासू। इट मीन्स क्वेश्चन क्या है, हु इज कॉल्ड फादर इन लॉ, फादर इन लॉ किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज कॉल्ड फादर इन लॉ। पति या पत्नी के बाबू को ही ससुर कहते हैं, ठीक ना। इसी में पूछते पत्नी या पति के माए को क्या कहते हैं? सासू, मदर इन लॉ। और चार दे रहे हैं, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, द मदर ऑफ हस्बैंड या वाइफ, मदर इन लॉ। अब यहाँ पर क्वेश्चन हम बना सकते हैं, व्हाट इज, है ना, मदर ऑफ हस्बैंड या वाइफ कॉल्ड, मदर या फादर के, है ना, मदर को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द मदर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कॉल्ड, मदर हस्बैंड को या वाइफ को वो क्या कहेंगे? मदर इन लॉ। व्हाट इज द ब्रदर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कॉल्ड, ब्रदर, है ना, जो हस्बैंड के होंगे वाइफ के, उनको हम लोग साला बोलते हैं, यानी कि ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ब्रदर इन लॉ मैंने साला बनोई जीजा सब हो जाता है। आगे देखिए, द सिस्टर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड के वाइफ की बहन को सिस्टर इन लॉ कहते हैं, साली, भाभी, ननद, सबके लिए सिस्टर इन लॉ इंग्लिश होती है। वैसे बड़े भाई के पत्नी को इंडिया में एल्डर ब्रदर्स वाइफ, छोटे भाई के पत्नी को यंगर ब्रदर्स वाइफ, वैसे कॉमन में सिस्टर इन लॉ, ठीक ना, ध्यान रखना। द वाइफ ऑफ सन, बेटा के पत्नी को पुतौ कहते हैं, यानी डॉटर इन लॉ, ठीक ना। द हस्बैंड ऑफ डॉटर, अब बेटी के हस्बैंड को दामाद कहते हैं, यानी सन इन लॉ, ठीक ना। मदर ऑफ मदर, माए के माए, मधुमंजिला माए नहीं, माता के माता, है ना, क्लियर कर दिए, मैटरनल ग्रैंड मदर। पिता के माता, यानी मदर ऑफ फादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, है ना, मदर ऑफ फादर। और इसी में फादर कहते थे कि फादर ऑफ फादर, है ना, तो पैटर्नल ग्रैंड फादर, फादर ऑफ मदर, नाना जी, तो मैटरनल ग्रैंड फादर, तो मदर वाला में मदर, ग्रैंड मदर, और फादर वाला में फादर करेंगे। ध्यान देना, द मदर ऑफ मदर, माई के माए, बराबर नानी, नानी का इंग्लिश मैटरनल ग्रैंड मदर, वैसे कॉमन में सीधे ग्रैंड मदर बोलोगे। मदर ऑफ फादर, बाबू जी के माए, यानी दादी, यानी पैटर्नल ग्रैंड मदर, या इक्वल टू द फादर ऑफ फादर, बाप के बाप, बराबर दादा, तो दादा का इंग्लिश क्या होगा? ग्रैंड पा या ग्रैंड फादर, तो उसको आप बाबू के पक्ष का पूछता अलग करके, तो आप बोल सकते हो पैटर्नल ग्रैंड फादर, है ना, ध्यान देना। या द फादर ऑफ मदर, आप माए के बाबू को नाना जी, नानू, आप नाना जी नानू कहते हो, तो क्या होगा? कॉमन में तो आपने बोल दिया था ग्रैंड फादर, लेकिन माए के पक्ष का है तो मैटरनल ग्रैंड फादर, सीखना पड़ेगा ये सब। द सन ऑफ सन, बेटा के बेटा, यानी आप समझना फिर मत समझ लेना, बेटा के बेटा यानी पोता, ग्रैंड सन, ठीक ना, ग्रैंड सन। द डॉटर ऑफ डॉटर, बेटी के बेटी, ग्रैंड डॉटर, ठीक ना, राइट, पोती नतनी सब होता ना इंग्लिश, पोता नतीन सब। आगे, अगर फादर ऑफ ग्रेट, फादर ऑफ ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर में दादा के बाबू, परदादा, ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है ना, मदर ऑफ ग्रेट ग्रैंड फादर, और दादा के माई, परदादी, उसका होगा ग्रेट ग्रैंड मदर। इस तरह से दादा का इंग्लिश क्या होगा? ग्रैंड फादर या ग्रैंड पा, दादी का इंग्लिश ग्रैंड माँ या ग्रैंड मदर, और दादा के बाबूजी परदादा, और परदादा का इंग्लिश ग्रेट ग्रैंड फादर, और उनके पिताजी होंगे द फादर ऑफ ग्रेट ग्रैंड फादर, और उनके बाबूजी होंगे द फादर ऑफ ग्रेट ग्रैंड फादर। इस तरह से बनाते जाएंगे,
है ना, फिर ग्रैंडफादर, ऑफ ग्रेट ग्रैंडफादर, इस तरह से उतना नहीं जाना है, बाबू दादा के पास जाओ, आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चार्ट, ये चार्ट जो देखे हो सब पूछोगे, व्हाट इज कॉल्ड मदर ऑफ मदर, माई के माई को क्या कहते हैं, मैटरनल ग्रैंड मदर, व्हाट इज कॉल्ड फादर ऑफ फादर, बाप के बाप को क्या कहते हैं, दादा, यानी पैटर्नल ग्रैंड फादर, कॉमन बोलना है, सीधे ग्रैंड फादर बोल सकते हो। आओ, आज रिलेशन पर मैं था, थोड़ा सा क्वेश्चन, कल फिर भयंकर क्लास होगी, लेट के यूज बताएंगे, उसे टाइम लगेगी, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, थोड़ा प्रयास करते रहिए, धन्यवाद। ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इसमें स्पोकन इंग्लिश के लिए फ्री क्लासेज दे रहे हैं, शुरू से लास्ट तक देखेंगे, बाद में पीडीएफ से आप प्रैक्टिस करेंगे, या बाद में जरूरत पड़ने पर मैं आप क्लास कर लीजिएगा, या फिर ऐप पर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप देखते रहिए फ्री। Thank you. Bye-bye. See you.